बिहार के एक सांसद थे, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मेरे मित्र थे, बहुत पुराने, मतलब अली अनवर साहब, अभी भी हैं। वो पसमांदा पे बड़ा काम किया उन्होंने, क्या? लेकिन बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले लालू जी, मुख्य दल लालू जी का रहा है पिछले दो दशकों में, उसने वो पसमांदा को कोई बहुत लाभ नहीं लेने दिया, ये सच्चाई है। खैर, कमर सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामपुर और स्वार के चुनाव ये बताते हैं कि बिना पसमांदा वोट बीजेपी में जाए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, थ्योरी में मेरी रुचि नहीं, ना मैं उतना विद्वान हूँ कि मैं इनका सब ओरिजिन पर बहस करूँ, मैं तो राजनीति समझता हूँ। स्वार में नहीं जीत सकते जब तक कि मुसलमान वोट नहीं दे भाजपा को उतनी बड़ी मेजोरिटी, कोई कला कर लो आप, ना रामपुर में जीत सकते। क्या क्या पसमांदा बीजेपी की ओर जा रहा है? रामपुर और उसका, मैंने आजमगढ़ नाम जानबूझ के छोड़ दिया, नहीं तो हो सकता कोई क्रॉस कर दे, मुझे काउंटर कर दे कि वहां गुड्डू जमाली खड़े थे, इसलिए रामपुर में गुड्डू जमाली नहीं थे और स्वार में नहीं थे। कमर सिद्दीकी देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक रैली आयोजन की थी बरेली में 13 नवंबर को, 13 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद रैली, वो बहुत सारा उस मीडिया पे भी चला है। आप उस रैली को उठा के देखेंगे, मीडिया ने खुद काउंट किया है कि 15 से 20 हजार मुस्लिम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए थे, जब प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि पसमांदाओं के साथ में हमें इसने मिलन, इसने संवाद करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने एक रैली आयोजित की थी जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री भी आए थे, दानिश आजाद अंसारी जी भी आए थे, आपके धर्मपाल जी भी आए थे और नरेंद्र कश्यप जी भी आए थे, कई सारे मंत्री थे उस स्टेज पे। वहां से ये हम लोगों को अंदाजा हो गया था, जब इतने सारे, इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिमों का आना, ये हमने वहां से जीत को सुनिश्चित कर लिया था कि अब रामपुर में भी मुसलमान अच्छी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। दूसरी चीज, अभी नावेद साहब कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री जी जो आह्वान कर रहे हैं ये मुसलमानों को बांटने का कर रहे हैं। नावेद भाई, मैं आपको ये बता दूं, आपको आपको शायद ये पता नहीं है, मोहसिन रजा साहब हज कमेटी के अभी चेयरमैन है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, ठीक है। सैयदा सहजादी जी मेंबर है माइनॉरिटी कमीशन में। आप ये देखिए, ये दोनों अपर क्लास से आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बांट नहीं रहे किसी को, ना ही इनका बांटने का है, ये समझा रहे हैं कि जो मुसलमानों को लटकाया, भटकाया, डराया गया है, धमकाया गया है, उनको सिर्फ दरी फट्टी बिछवाने का काम किया है, जिन मुसलमानों को फतवे देने का काम किया है, जिन मुसलमानों को पीछे रखने का काम किया है, हम उनको आगे लाना चाहते हैं, जो आगे हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम उनको छोड़ नहीं रहे, हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे, वो भी हमारे साथ हैं, उनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उनको उसके हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है 85% वाले बहुत पीछे रह गए हैं, उनको थोड़ा सा आगे लाइए, उसको आगे लाने का आह्वान प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक कमर सिद्दीकी भैया, कमर सिद्दीकी, ठीक है, आपने भी बात की, रुकिए, डॉक्टर इस्लाम, फिर वही सवाल कि 85% के को अपनी जेब में 15% कब तक रख सकता है? कोई मोदी नहीं करते, कोई और करता, किसी न किसी दिन तो ये दिन आना ही था। कांग्रेस की जेब में, ऊपर वाली जेब में ब्राह्मण ठाकुर बनिया थे, साइड की जेब में दलित और एक साइड की जेब में पिछड़े, सब निकल निकल के भागे ना, तो ये तो समय आ गया, मोदी है तो ठीक है, मोदी नहीं होते कोई और आता, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं प्रकृति के न्याय में कि 85% को 15% अपने हित के लिए उपयोग में लाते रहे और 85% की कोई तरक्की नहीं हो, उसको कोई लाभ नहीं मिले। इस्लाम साहब, बेसिकली सर ऐसा है कि मोदी जी ने मुसलमानों को कोई नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाया, सिवाय इसके कि अगर वो इश्यूज ना छेड़ते हो, भाई डिमोनेटाइजेशन हुआ वो सबके लिए था, आवास योजना जो आप बता रहे हैं, मैं अपने घर यूपी गया तो वहां देखा कि गरीब हिंदू है मुसलमान सबके आवास बन रहे हैं जी। लेकिन मसला ये है कि जो मॉब लिंचिंग में कोई उन्होंने किया, उसमें ज्यादातर जो अपने आप को सो कॉल्ड पसमांदा कहते हैं, 250 लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए, वो सब पसमांदा, उसी पसमांदा तबके के मारे गए, उनमें से कोई भी जो है
गैर पसमाना नहीं मारा गया, अगर मान लिया जाए इनकी बात को कि पसमाना है ये, तो यही लोग मारे गए मोदी जी के उसमें मॉब लिंचिंग में। हाँ। एक भी कोई सैयद पठान नहीं मारा गया। दूसरी चीज ये कि मोदी जी के जमाने में आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका जो है विश्वास, तो आप ये इधर मुसलमान औरतों को पढ़ाने की बात करते हैं, उधर अगर लड़कियां हिजाब डाल के पढ़ने जाती हैं पाबंदी लगा देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है सभी लोग मानते हैं कि सर सैयद का बनाया हुआ है, आप उसमें जो है कोर्ट में केस लगा देते हैं उसके खिलाफ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलग तो आप रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे मुसलमानों को। हम कहते हैं कि अगर आप पसमानदा ही मानते हैं 85% को, इन 85% रिजर्वेशन दे दीजिए, ठीक, इनके लिए अलग विश्वविद्यालय बना दीजिए कि जो गरीब मुसलमान है या इनके इन्हीं को मान ले पसमानदा है। ठीक है, अनवारुल अनवारुल साहब अभी रुकना होगा, नाविश को ठीक है। मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता जामिया और अलीगढ़ की, क्या जिन्होंने जामिया बनाई और जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई नावेद शिको, वो ना तो सपा में रहे ना आरजेडी में रहे, क्या ना ब्लॉक प्रमुख हुए कभी, क्या राजनीति करने वाली बिरादरी अलग है, ये आप लोग कब समझोगे? समझ ही नहीं पाए अभी तक, भटक रहे हो जंगल में इधर उधर अंधेरे में, सिर मार रहे हो पत्थर से, ना समझ नहीं पाए इस्लाम साहब अभी, ना ना अभी आप लोग जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, ना ना अभी रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अब समझ, अब नहीं समझ पाए। सर सैयद अहमद का विषय थोड़ी चर्चा में है आज, वो तो बड़ी आत्मा थे, बनाए इतना बड़े संस्थान। अब मसला ये है कि स्वार में कौन जीतेगा, राज तो वहां से तय होगा नाविश को, नहीं कि सर सैयद अहमद से तय होगा, नहीं होगा ना। तो मेरा मानना, मैं मूल प्रश्न ये लेके आया कि सबका विकास हो जाएगा, सब भारत की 150 करोड़ आबादी सरसब्ज हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बस कहने सुनने में अच्छी लगती है, ठीक, लेकिन राजनीतिक तौर पर बिरादरियां और समाज अपने अपने रहनुमा बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? मैंने दलित को बदलते देखा, पिछड़े को बदलते देखा, पिछड़ों में भी अति पिछड़े और पिछड़े, बिहार पिछड़े लालू के साथ, अति पिछड़े नीतीश जी के साथ, मैंने वो बाइफरकेशन देखा, तो पसमानदा का बाइफरकेशन क्यों नहीं हो शेप लेता दिख रहा है किसी को? नवेश को मुझे ये लगता है कि देखिए बदलाव हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जमीन पर कुछ होना पड़ेगा। दलित बदल गया भाजपा के साथ आ गया, पिछड़ा बदल गया भाजपा के साथ आ गया, उसकी वजह थी कि भाजपा जब वजूद में आई तो उसने इनको बहुत कुछ दिया, बाकायदा दिया। दुनिया पीछे पड़ी थी, आरक्षण के खिलाफ एक बड़ी लॉबी बड़ी ताकतें लगी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि कतई भी आरक्षण पर आंच नहीं आएगी, योजनाएं आई उनको आगे बढ़ाया गया। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि कांग्रेस ने सपा ने बसपा ने आपके साथ क्या किया, कुछ नहीं किया। ये बात सही हो सकती है लेकिन आपने क्या क्या आप करके दिखाई, 9 साल में आपने क्या किया आप बताइए, हमारे लिए एक्स्ट्रा केयर करिए, एक्स्ट्रा केयर करिए तब हम आपके साथ आएंगे। एक्स्ट्रा केयर का राजनीतिक शब्द जानते हैं क्या होता है? एक्स्ट्रा केयर को कहा जाता है पुष्टिकरण। और अगर नरेंद्र मोदी जी ये कह देते हैं, कोई घोषणा कर देते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पसमानदा के लिए सीटें रिजर्व कर देते हैं, रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा देते हैं, इनको उनके लिए एक्स्ट्रा उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के खजाने खोल देते हैं, तो हिंदू भाई नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कान उन्होंने उधर से पकड़ा था आप उधर से पकड़ रहे हो। इसी को तो तुष्टिकरण कहा जाता है, क्या जाति और क्या पसमानदा। सवाल इस बात का है कि ये ऑपरेशन बड़ा है और नरेंद्र मोदी बड़े सर्जन है, वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन ये बहुत कठिन है। मुसलमान पसमानदा तब मानेगा जब उनके लिए आप करोगे, ठीक नावेद भाई, ठीक है जी, काम नहीं चलेगा जी, ठीक कुछ लाइए जी, रिजर्वेशन में आज बढ़ा। मैं एक छोटी सी टिप्पणी ओपी सिंह से लूंगा, ओपी सिंह जी नावेश को कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बूस्टर डोज देनी पड़ेगी, ठीक है नावेद भाई रुकिए जी, नावेद भाई बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, अब इन्होंने ये तो मान लिया कि भाई इस पसमानदा समाज जो अब तक उपेक्षित था इसको मुख्य धारा में मोदी जी ले आए, लेकिन उनकी मांग है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा, अब उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए। पहले भैया इतना पीछे थे, पहले तो बराबरी में आओ, आपने कहा कि दलितों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया और पसमानदा के लिए एक्स्ट्रा करे, तो पहले तो आपको आपकी शैक्षणिक आर्थिक
सामाजिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है, और जैसा कि इनकी नियत है नावेद सिको साहब की, ये वरिष्ठ पत्रकार है, मैं समझ नहीं पा कि क्या कहना चाहते। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं इनका होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं लेकिन उनको इतना लाभ दीजिए। अरे भाई आप उसको समर्थन करिए नावेद सिको साहब कि 9 सालों में जिनकी आप इतना की बात करते हैं उनको क्या मिला था? केवल वोट की राजनीति के अलावा, भाषण देने के अलावा और नारा लगाने के अलावा क्या दिया था इस पार्टी ने? दिया मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कोई कांग्रेस ने 17 साल में 58-60 साल राज किया, एक उपलब्धि बता दीजिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि आवास दिया, गैस दिया, बिजली दिया, शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, स्वास्थ्य बीमा दिया, और 3 साल से गरीब मुसलमानों को भी हम अनाज दे रहे हैं, तो ये किसने दिया? पहले तो आप इसके लिए धन्यवाद दीजिए, मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि देश की आजादी के बाद ठीक है। अभी भाई समय कम है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, ओपी सिंह जी को भी और नावेद सिको को भी।